नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज हम कैल्शियम से चूना बनाने का, चूने से कैल्शियम बनाने का प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं। देखिए, अढ़ाई किलो चूना हमने पहले इसमें डाला है, अभी इसमें हम 5 किलो चूना और डाल रहे हैं। टोटल 30 किलो कैल्शियम तैयार करने का हमारा प्रोसेस है। देखिए, जो है लाइम स्टोन, चूना पत्थर बोलते हैं इसको, कल्ली चूना ऐसे हर जगह इसे बोला जाता है हिंदी में। तो इसके द्वारा हम कैल्शियम बनाएंगे, ये देख सकते हैं। और कैल्शियम जो है बनाने का जो प्रोसेस है वो आपको दिखा रहे हैं। गायों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, कम खर्च में आप कैल्शियम कैसे तैयार करें गांव में। ये देखिए, तो ये हम चूने को डाल दिए, लाइम स्टोन को, इसके अंदर ये देख सकते हैं, ये अपना काम करना शुरू कर दिया। चूना से कैल्शियम बन के अभी तैयार हो जाएगा। तो इसके अंदर के सारे कैल्शियम को हम इस पत्ती से निकाल लेते हैं, चूना अलग हो जाएगा और कैल्शियम अलग होगा। 2 घंटे के अंदर ये सारा खौल जाएगा पानी में। ये हमने डाल दिया, देख सकते हैं चूने से कैल्शियम बन रहा है। छोड़ छोड़ बन रहा है अभी। इधर हमने कुछ कैल्शियम बनाया था, लेकिन हमें ज्यादा मात्रा में बनानी थी, इसलिए ये देखिए कैल्शियम बना हुआ था, लेकिन फिर भी हम इसमें और डाले हैं। हमें ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बनाना था, इसलिए इसका इस्तेमाल किए हैं। दोस्तों, 1 घंटा बाद आप देख सकते हैं चूना कैसे खौल रहा है, और पूरा चूना जो है पानी में मिल चुका है। अभी इसमें से धीरे धीरे करके चूना जो है कैल्शियम में तब्दील हो जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा और कैल्शियम पूरा ऊपर आ जाएगा। इसमें से आग जैसा धुआं निकलता है, खोलता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है जब ये घटित इस घटनाक्रम से गुजरता है। आप देख लीजिए आराम से, ये देखिए कैसे मिल जाता है पानी में कैल्शियम। जो है तैयार करने का जो विधि है, लाइम स्टोन से चूना पत्थर से कैल्शियम निकालने का और बनाने का कम खर्च में पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस ऐड करते हैं, और शुगर, और इसके साथ कोई विटामिन का अच्छा सा इन्वॉल्व हम ऐड करते हैं, तो ये सबसे टॉप क्लास का कैल्शियम बन जाएगा, जो किसानों के लिए कम खर्च में 30 लीटर कैल्शियम बनाने में मात्र 500 रुपया खर्च आएगा। और 30 लीटर अगर ऐसे हम मार्केट से लेते हैं तो आपको 3000 रुपये की फर्क आएगा। तो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है डेयरी फार्मिंग में। तो जो किसान हैं वो इसका इस्तेमाल करें और अपने पशुओं को, अपने दूध को बढ़ाएं और उनके सेहत को जो है बेहतर बनाएं, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। ये देखिए, अभी आगे और हम बताएंगे अगली थोड़े जो है शाम तक। इसमें हम जो प्रोसेस करेंगे, इसको हिलाएंगे, ये 5 दिनों तक प्रोसेस चलेगा। 5वां दिन जा करके कैल्शियम तैयार होगा, इसमें से धुआं धुआं निकल रहा है, देख रहे हैं सारा जो है पानी में मिल रहा है, आपस में मिल जाएगा और कैल्शियम बनेगा। इसकी घटनाक्रम जो है अभी हो रहा है, घटित हो रहा है। चले, अब हम इसमें 30 लीटर पानी डालने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितना लीटर पानी इसके अंदर जाता है। ये 15 लीटर का जर्किंग है, तो थोड़ा सा गिर गया, ओवरफ्लो हो गया, और देखते हैं कितना पानी है इसमें अटता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं चूना पूरी तरह से पानी में मिल चुका है। अब हम इसमें और पानी डालेंगे, लमसम 30 लीटर पानी, तो देखते हैं 30 लीटर अटता है या नहीं, नहीं तो दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। दोस्तों, 1 घंटा बाद आप देख सकते हैं चूना कैसे खौल रहा है,
और पूरा चूना जो है पानी में मिल चुका है। अभी इसमें से धीरे धीरे करके चूना जो है कैल्शियम में तब्दील हो जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा और कैल्शियम पूरा ऊपर आ जाएगा। इसमें से आग जैसा धुआं निकलता है, खोलता है, इस चीज का आप ध्यान रखें। थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है जब ये घटित इस घटनाक्रम से गुजरता है। आप देख लीजिए आराम से, ये देखिए कैसे मिल जाता है पानी में। कैल्शियम जो है तैयार करने का जो विधि है, लाइम स्टोन से चूना पत्थर से कैल्शियम निकालने का और बनाने का कम खर्च में पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस ऐड करते हैं और शुगर और इसके साथ कोई विटामिन का अच्छा सा इन्वॉल्व हम ऐड करते हैं तो एक सबसे टॉप क्लास का कैल्शियम बन जाएगा, जो किसानों के लिए कम खर्च में 30 लीटर कैल्शियम बनाने में मात्र 500 रुपया खर्च आएगा। और 30 लीटर अगर ऐसे हम मार्केट से लेते हैं तो आपको 3000 रुपये की फर्क आएगा, तो बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है डेयरी फार्मिंग में। तो जो किसान हैं वो इसका इस्तेमाल करें और अपने पशुओं को, अपने दूध को बढ़ाएं और उनके सेहत को जो है बेहतर बनाएं, तो आप इसका इस्तेमाल करिए। ये देखिए अभी आगे और हम बताएंगे, अगली थोड़े जो है शाम तक इसमें हम जो प्रोसेस करेंगे, इसको हिलाएंगे, ये 5 दिनों तक प्रोसेस चलेगा। 5वां दिन जा करके कैल्शियम तैयार होगा, इसमें से धुआं धुआं निकल रहा है, देख रहे हैं सारा जो है पानी में मिल रहा है, आपस में मिल जाएगा और कैल्शियम बनेगा। इसकी घटनाक्रम जो है अभी हो रहा है, घटित हो रहा है। चले तो ये जो चूना से कैल्शियम बनाने का जो प्रोसेस था, इसे दिन भर में एक बार हिलाना पड़ता है, जो जमे हुए चूने में जो कैल्शियम बचा होगा वो भी ऊपर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने हिला दिया इसे और इस डब्बे को भी हिला देते हैं, तो जितना भी कैल्शियम अंदर चूने में बच गया होगा वो सब जो है तो सारा ऊपर आ जाएगा। इसके बाद ये 5वें दिन जो है हम इसको ऊपर से चूने को 1 इंच ऊपर से छोड़ करके सारा पानी निकाल लेंगे।